सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है कि नीट यू जी दोबारा से नहीं होगा ये ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था उसको अफेक्ट करेगा बहुत सारे लोगों का कहना है और जो हमारा पीछे वीडियो पहले इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें भी काफ़ी लोगों का कहना है कि कि भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों का भी मत है कि किसी का कहना है कि होना चाहिए किसी का कहना है कि नहीं होना चाहिए और यही वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि पूरा नीट एग्ज़ाम को रद्द कर देना सही नहीं है क्योंकि लार्ज स्केल पर कुछ ब्रीच हुआ है इसका कोई भी प्रमाण उन्हें नहीं मिला इसमें एक जो बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने नीट क्वालिफाई करा और जिनके अच्छे नंबर आए उन्होंने इसका विरोध करा भाई जिसके अच्छे नंबर आए हैं वो तो नहीं चाहेगा कि भैया पूरा एग्ज़ाम रद्द हो उसका तो पूरा मेहनत जो है वो पूरा बिगड़ गया तो वो बिल्कुल भी, भी नहीं चाहेगा और उसके एंड पर भी बात सही है कि भैया उसको तो फिर से कंपटीशन में बैठना पड़ेगा ये एक वजह है कि जिस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर दलील दी गई है कि जियोपोडाइज फ्यूचर ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट ये जियोपोडाइज करेगा जिन्होंने पूरी मेहनत से शिद्दत से एग्ज़ाम दिया उनको अगर उनके ये एग्ज़ाम दिया और उस केस में अगर पूरा एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा तो, तो जियोपोडाइज हो जाएगा जो बच्चे ऑनेस्ट हैं जिन्होंने सही में एग्ज़ाम पूरी मेहनत से दिया उनके लिए कितना ज़्यादा दुख की बात होगी ये रैशनल नहीं है कुछ बच्चों तक ने इस बात को बोला कि नॉट रैशनल टू स्क्रैप नीट विल अ जियोपोडाइज मैनी स्टूडेंट्स सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट हमने जो ठीक इससे पहले वीडियो अपलोड करा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इसमें दलील रही कि रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने पॉइंट्स रखे हैं आप जैसे उनका नाम भी हम सामने रख रहे हैं देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना कमेंट्स और अपनी बात रखी है कि एक ने तो कमेंट किया है कि 99 स्टूडेंट रीनीट करवाना चाहता है और दूसरे ने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि अगर जीरो भी गड़बड़ पाया गया तो क्या होगा अब देखिए अरे किसी ने ये भी कमेंट किया है अरे हाँ किसी के कहने से कुछ नहीं होता पूरे इंडिया लेवल पर पेपर लीक हुआ है हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए रीनीट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स मतलब बच्चों का कहना है कि भैया रीनीट कर दो और अच्छा आप एक बात बताओ इसका जवाब आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है देखो ठीक है चलिए अभी आपने देख लिया कि ये एक और ये केस जो है इस बार जो नीट का जो केस है वो काफ़ी गड़बड़ केस माना गया और इसमें बहुत बहुत इश्यूज क्रिएट हुए जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गया तो उनका तो अच्छा है जो क्वालिफाई नहीं करे हैं उनके लिए भी तो बुरा है जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं जब उनमें तो कैलिबरा है ही ना कंपटीशन वाले बच्चे तो वही लोग हैं ना जिनके साथ वो दोबारा भी बैठेंगे तो आपको नहीं लगता कि क्या अगर दोबारा से रीनीट होता है तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो पहले अच्छे नंबर से निकाल गए अब इस बार भी निकाल ले जाएंगे ठीक है आप अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं